है और ये थर्ड डे है, ठीक है। ट्राइब या जनजातियाँ, अभी जैसे एमए की अभी हमने क्लास ली थी, तो एमए की क्लास में भी ट्राइब टॉपिक है, तुम्हारी बीए में फर्स्ट इसमें भी है, फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड पेपर में भी है, दोनों में है। तो ये समझ लो कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसीलिए हमारा इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और डीपली हम इसको पढ़ रहे हैं। दो तरह के वर्गीकरण हमने कल बताए थे, एक भौगोलिक था, दूसरा प्रजातीय। आज शुरू होगा भाषा के आधार पर वर्गीकरण, के जिस तरह की कंबाइंडली भाषा के लोग एक जगह पाए जाते हैं उनके हिसाब से वर्गीकरण किया है। डॉक्टर किसने? गुहा, आते रहो। डॉक्टर गुहा के अकॉर्डिंग अब क्या है, भाषा के आधार पर वर्गीकरण इन्होंने तीन पार्ट में किया है। पहला है द्रविड़ भाषा बोलने वाले, दूसरा ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाले और तीसरा चीनी तिब्बती भाषा बोलने वाले। पहले कौन कौन से? द्रविड़ भाषा बोलने वाले परिवार, ये भाषाएं दक्षिण की जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषाएं आती हैं। ये जो है, ये इन भाषाओं को दक्षिण में बोली जाने वाली भाषाएं बोला जाता है और इन्हें द्रविड़ कहा जाता है। मध्य भारत की गोंड, देखो इनको तो तुम जानती हो, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम। मध्य भारत की गोंड जनजाति भी द्रविड़ भाषा का प्रयोग करती है। ओडिशा के कुंद, बिहार व ओडिशा के कुई तथा उराव और राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले जनजातीय लोग माल्टो बोलियां बोलते हैं, जो इसी परिवार का अंग है। किसका? द्रविड़ भाषाई। द्रविड़ भाषा बोलने वाली प्रमुख जनजातियों में टोडा, मलेर, पोलिया, सवर, कोया, पनियन, चेचू, इरुला, कादर आदि आते हैं। दूसरा है ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाले परिवार, इनमें मुंडा भाषाएं हैं, कोल और मुंडा, जो कि मध्य पूर्वी भारत की जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं, जो भारत के बीच में मध्य पूर्वी भाग में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा ये वाली भाषाएं बोली जाती हैं, जो कोल और मुंडा है। असम की खासी एवं निकोबार द्वीप की निकोबारी बोलियां भी इसमें सम्मिलित हैं, जिनको कि ऑस्ट्रिक भाषाएं कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा में संथाली, मुंडारी, खरिया, भूमिज, गारो आदि भाषाएं भी आती हैं, जो कि कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? बिहार, ओडिशा, बंगाल और असम में बोली जाती है। मध्य प्रदेश की कारकू, साथरा एवं गढ़वा भाषाएं भी इसी के अकॉर्डिंग आती हैं। मध्य क्षेत्र की जनजातियों द्वारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की बोलियां ही बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ रहने वाली उराव, कोलाम, गोंड आदि जनजातियाँ द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलती हैं। द्रविड़ कौन सी थी? पहली वाली, जो कि दक्षिण भारत में बोली जाती है। अब आती है तीसरी, तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा। चीनी तिब्बती भाषा कौन कौन से परिवार बोलते हैं? नेपाल, दार्जिलिंग, त्रिपुरा, काचर, मणिपुर, पूर्वी कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, भूटान, उत्तरी पूर्वी बंगाल, असम, सिक्किम आदि क्षेत्रों में अधिकतर चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है। उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों में मान खामेर भाषा बोली जाती है। ऑस्ट्रिक, इन्हें पता हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भाषा है, आपका जो नाम है वो नाम ही रहेगा, जो भाषा है वो भाषा ही बोली जाएगी, तो उस नाम में हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए ये सेम टू सेम है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है। कौन कौन सी? मानखोमर भाषा इसमें बोली जाती है और ये ऑस्ट्रिक परिवार की ही भाषाएं हैं। इनके उदाहरण खासी जनजाति है, मानखामेर भाषा का प्रयोग, जो कि मानखामेर भाषाओं का प्रयोग करती है। असम के नागाओं में भी लगभग 16 प्रकार की भाषाएं यही बोली जाती हैं। अब कई जगहें ऐसी हैं
कि जहाँ पर क्षेत्र दूर दूर होने के बाद भी एक जैसी भाषा बोली जाती है। जैसे गुजरात और राजस्थान के जब बॉर्डर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर अधिकतर भाषा राजस्थान में भी गुजरात की ही बोली जाती है। जैसे माउंट आबू है और माउंट आबू का वो जो गुरु शिखर वाला एरिया है, वहाँ पर राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है, तो अधिकतर वहाँ की दोनों की लैंग्वेज सेम टू सेम है, एक जैसी है। तो उन्हें कहा जाता है कि ये जिस प्रकार से भाषा एक है, उसी प्रकार से वहाँ के सांस्कृतिक रिलेशंस भी एक तरह के हैं। जो वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो वो गुजरात में भी सेम होते हैं, और राजस्थान अलग स्टेट होने के बावजूद उसमें भी उसी तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम, सांस्कृतिक जो वहाँ के प्रचलित हैं मान्यताएँ, वो दोनों की सेम टू सेम है, एक जैसी है। इसीलिए इनका उदाहरण दिया गया, दक्षिणी राजस्थान के भील बांगड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें गुजराती शब्द काफ़ी हैं, बहुत हद तक गुजराती शब्द उसमें बोले जाते हैं। यह बात इस बात का संकेत है कि राजस्थान के भीलों में गुजरात की संस्कृति के तत्व हैं। कई बार दो जनजातियाँ निकट रहते हुए भी भिन्न अलग अलग भाषाएँ बोलती हैं। बताया ना कि हमारा वाला एरिया, हम सारे बेशक यहाँ पे मेरठ के हैं, लेकिन अलग अलग गांव से आते हैं, तो कई जगहों पर अलग भाषा भी देखने को मिल जाती है। कहीं पर बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो कहीं पर थोड़ी मिक्स कर देंगे, कहीं पे इसका पंजाब वाली भाषा का भी टच है, एक दो विलेजेस में इधर की साइड मेरठ देखा गया है, और कई में बड़ौद साइड के गाँव का भी टच आ जाता है लैंग्वेज का, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि भाषा के फैलाव में किसी जनजाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव होता है। यही कारण है मुंडा और ओराव जनजातियों के साथ साथ रहने पर भी एक के द्वारा ऑस्ट्रिक भाषा बोली जाती है और दूसरे के द्वारा द्रविड़ भाषा बोली जाती है। अभी जो चीज़ मैंने बताई वही अब आता है नंबर फोर। पहला था भौगोलिक वर्गीकरण, दूसरा प्रजातीय वर्गीकरण, तीसरा भाषा के आधार पर वर्गीकरण, और चौथा होगा सांस्कृतिक वर्गीकरण। जिस जिस तरह के वहाँ पर प्रोग्राम मनाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। ये डिवाइड किया है वैरियर एल्विन ने सांस्कृतिक वर्गीकरण किया है, और इसको चार भागों में डिवाइड किया है। पहला प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी और चौथी श्रेणियों में ही डिवाइड कर दिया। पहली श्रेणी के जो लोग हैं वो आदिवासी थे, जो कि अत्यधिक आदिम थे, संयुक्त सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे और दुर्गम व घने जंगलों में निवास करते थे। ये लोग झूम कृषि करते थे। झूम कृषि जानते हो किसको कहा जाता है, बताओ? चलो ये मान सकते हैं, लेकिन वही कि एक जगह का एरिया उन्हें जो सूटेबल लगा वहाँ पर खेती की, उसके बाद दूसरे स्थान पर जाकर खेती करने लगे। इनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन बहुत ही सरल था। कई बार तो ये सभ्य समाजों के लोगों को देखकर डरकर भाग जाते थे अथवा पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इनमें मध्य भारत के बस्तर क्षेत्र की पहाड़ी माड़िया, उड़ीसा के ज्वांग, गड़बा और बोंदो आदि जनजातियां प्रमुख हैं। दूसरी श्रेणी में वो जनजातियां आती हैं जो कि प्रथम श्रेणी की ही भांति बिल्कुल अलग रहते हैं और उन्हीं की तरह अपने अपनी परंपराओं में मग्न है या अपनी परंपराओं में लीन है, किंतु इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ गए हैं। ये लोग अपने सामूहिक जीवन को त्याग कर व्यक्तिवादी हो रहे हैं और इनमें गरीबी व अमीरी के भेद भी हो रहे हैं। ये खेती के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग कम करते हैं, अब ये झूम खेती का त्याग कर रहे हैं और सभ्य लोगों को देखकर डरते भी नहीं हैं। तीसरी श्रेणी आती है, पहली टोटली आदिवासी थे, सभ्य लोगों को देखकर डर जाते थे, लेकिन दूसरी श्रेणी के कौन से आए, वो थोड़े थोड़े सभ्य होने लगे और
जो सभ्य लोगों की संस्कृति थी उसको अडॉप्ट भी करने लगे, उनमें ऊंच नीच भी संस्तरण भी बनने लगे कि कुछ लोग छोटा काम करते हैं कुछ बड़ा करते हैं, उनमें संस्तरण जो थे वो डिवाइड होने लगे। अब तीसरी श्रेणी क्या आती है, इसमें आधुनिक सभ्यता संस्कृति के अत्यधिक अधिक से अधिक संपर्क में आए, अपनी मूल संस्कृति को खो चुके हैं या मिटाने की ओर हैं, कि जो अपनी मूल के ग्रुप में रहना, ग्रुप में ही डांस करना, वो सारे काम छोड़कर अधिक से अधिक धनोपार्जन के पीछे वो लगे हुए हैं, कि अधिक से अधिक वहाँ पर टाइम देते हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इनका आदिवासी धर्म, परंपरा, प्रथा, कला, विश्वास, सामाजिक संगठन आदि छिन्न हो गए हैं। परिणाम स्वरूप ये कष्ट में हैं और सांस्कृतिक संपर्क की कई समस्याओं से ग्रसित है। जैसे टीवी देखना है भाई, उन्होंने इस एरिया में अपनी शॉप्स खोली हुई हैं, जैसे मैं बता रही थी, जैसे टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, उसके आसपास कौन है, वो आदिवासी लोग ही तो हैं जो उनके टच में आते हैं। वो जो लोग जाते हैं टूरिस्ट, उनके सभ्यता को देखते हैं, उनके पहनावे को देखते हैं, उनके रहन सहन को देखते हैं, उनको क्या पसंद है और कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं। यहाँ तक कि वो उनके पास मोबाइल फ़ोन आने लगे हैं, मोबाइल फ़ोन है तो उनकी शॉप्स में टीवी भी हैं, टीवी पर अलग अलग तरह के एड्स आते हैं, तो वो एड्स उनको प्रभावित करते हैं और वो अपनी उन चीज़ों को लेने की इच्छा करते हैं और अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में बताया, एक गांव है राजस्थान के माउंट आबू के पास में ही, उतरज। उतरज गांव एक बहुत छोटा सा गांव है। उस गांव में कोई ट्रैक्टर नहीं है, बैलगाड़ी अगर किसी ने गांव में बना ली तो बन जाएगी, अदरवाइज कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि उस गांव तक बैलगाड़ी पहुंच जाए, क्योंकि उतरज गांव तक उतरने का पक्का रास्ता नहीं है, केवल पहाड़ी ही पहाड़ी है। नीचे तक जाओ और नीचे से ऊपर तक वो लोग दुकानें खोलने के लिए ऊपर माउंट आबू तक, गुरु शिखर तक आते हैं पैदल ही। जो चीज़ ले जानी होती है वो सर पे ही जाती है और सर पे ही आती है। अगर कुछ लोगों ने वहाँ पर सीमेंटेड मकान भी बना रखे हैं, कुछ लोगों ने, सिर्फ दीवारें दीवारें सीमेंटेड हैं, छतें तो आज भी कच्ची ही हैं। वहाँ का प्राथमिक विद्यालय भी हमने देखा था, प्राथमिक विद्यालय को बनाने के लिए भी जो सीमेंट वगैरह गया था वो माउंट आबू तक तो आ जाता है व्हीकल से, लेकिन वहाँ से उतरज गांव के लिए उतरता है तो वो सरों पर ही जाता है। अब देखो, कि बिल्डिंग कोई खड़ी करेगा तो सर पे सामान ले जाना पड़ेगा, सर पे सामान ले जाने के लिए फिर उस पर खर्चा देना पड़ेगा, लागत लगेगी, तो वो चीज़ें कितनी कॉस्टली पड़ती हैं। इसी तरह से गांव के जो लोग हैं उन्होंने कच्चे ही मकान हाथ से ही, जैसे वहाँ पर पत्थर इकट्ठा करते हैं, इकट्ठे कर करके उन्हें जॉइंट किया हुआ है, या फिर थोड़ा सा जैसे सीमेंट अरेंज किया है ऊपर से नीचे तक ले जाते हैं वो सिरों पे ढो ढो के, तो उसी से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके दीवारें बनाई हैं। दीवारें बना के छत वही कच्ची डली हुई है वहाँ पर आज भी। वहाँ पर हलों का ही इस्तेमाल होता है, जो बैल भैंस हैं वो तो अपने वहाँ पर हैं तो पशु, तो इसी वजह से वहाँ पर हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर ना ट्रैक्टर है, ना वहाँ पर बैलगाड़ी है, ना वहाँ पर कोई बुग्गी है, इस तरह का कोई संसाधन वहाँ पर नहीं है। यहाँ तक कि बाइकें भी मुश्किल से एकाध होगी, जो होती है तो वो माउंट आबू तक ही ऊपर ही रह जाती है, नीचे तक बहुत मुश्किल होता है कि कोई बाइक लेकर चला जाए। एक आध रास्ता है कि अपने रिस्क पर कोई चला जाए तो चला जाए, अदरवाइज वहाँ पर बाइक भी नहीं जाती, लाठियाँ पकड़ पकड़ के ही चढ़ना और उतरना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली श्रेणी उन लोगों के लिए है कि जो नीचे से आकर ऊपर रहेंगे। लेकिन वहाँ पर हम घर में गए थे, वहाँ पर टीवी, फ्रिज और हमारे जो घरों में सारी चीज़ें होती हैं वो उनके घर में उपलब्ध थी। वहाँ के गिने चुने घरों में जिनकी शॉप्स अच्छी चल रही हैं उनके घरों में ये सारे संसाधन थे। तो ये वाला संस्करण फिर पाया जाएगा कि जिसके घर में ये वाले संसाधन अरेंज हो गए तो वो थोड़ा सा अलग महसूस करेगा। वहाँ पर उस घर में ये भी था कि बिजली का बिल, वहाँ पर वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि बिजली के गंडासे भी वहाँ पर नहीं है अभी, वो फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन ये यूज़ कर रहे हैं, वो भी सब दो दो बंदों ने पकड़ी और हाथों में लेकर ऐसे ही गए हैं, कोई सामान के लिए भी कल नहीं आया।
फिर भी वहाँ का बिजली का बिल क्या आता है पता है? -5 या -50 रुपीज़ और बिजली विभाग की साइड से उन्हें मिलता है। क्यों? इसका रीज़न जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा हुआ उस गांव में बिजली कनेक्शन वाले लोग जो थे आए थे, बिजली घर वाले, तो वहाँ पर किसी को किसी से मतलब ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं उनको क्या है। लेकिन जो अपनी सभ्यता को जानते थे, वो शॉप लगाते थे, उनका नाम देवी सिंह था, जिनकी वो शॉप थी माउंट ऊपर गुरु शिखर पे उनकी शॉप थी और उनका गांव था उत्तरज। जब बिजली विभाग वाले वहाँ पर गए तो उनकी उन्होंने खूब सेवा की, कहते हैं देसी भाषा में खातर पानी की, अच्छे से उन्होंने रखा। तो वो बिजली वाले जो थे विभाग वाले, वो उनसे काफ़ी खुश हुए और उन्होंने उनका बिजली का बिल माफ़ किया, बल्कि माइनस में बिजली विभाग की साइड से उन्हें ही कुछ ना कुछ दिया जाता है, वो इस वजह से है। तो मैं ये सारी चीज़ें बताने का सिर्फ ये एक ही रीज़न है कि वो आदिवासी होने के बावजूद हमारी सभ्यता के टच में हैं, इसीलिए वो चेंज हो रहे हैं। नंबर 4, और वहाँ की रोटियाँ सिकी हुई पता है, सिर्फ एक साइड से सेकते हैं वो लोग रोटियाँ, गैस भी है लेकिन इतनी मोटी और चौड़ी रोटी होती है वहाँ पर, और केवल तवे पर ही सेकते हैं, गैस पे उतार के उसको नहीं सेकते। कटोरी में रखते हैं उस रोटी को, उसमें घी डालते हैं बहुत सारा, बूरा डालते हैं एंड देन खाते हैं। कई बार तो करेंगे कि सब्जी, अगर सब्जी से खानी है तो उसमें घी डाला, उसी में सब्जी डाली और ऐसे मरोड़ते हैं रोटी को, कुचुंबर निकाल देते हैं उसका और तब वो खाते हैं। हाथ से ही खाते हैं, चम्मच से भी नहीं खाते, हाथ से ही खाते हैं। वो एक देसी खाना है, इतना भी वो सीख गए, ये बड़ी बात है। धीरे धीरे टच में आ रहे हैं तो और चेंज होंगे। 4th श्रेणी, मेवे जनजातियाँ, वहाँ पर लोग बीमार भी कम होते हैं, अगर ऐसी जगहों पर रहते हैं और इस तरह का देसी खाना खाते हैं, बीमार भी कम होते हैं। अधिकतर वहाँ पर चूल्हे पर ही रोटियाँ बनती हैं, गैस पे तो वही एक आध घर में बता रही कि उनका ही घर था तो इसलिए गैस पर बनी थी, अदरवाइज चूल्हा यूज़ होता है। जो प्राचीन कुलीन वर्ग, 4th श्रेणी आ गई, ये वे जनजातियाँ हैं जो प्राचीन कुलीन वर्ग हैं, इनमें भील नागा लोग प्रमुख हैं। इन लोगों ने बाह्य संस्कृतियों के संपर्क के बावजूद भी अपनी मौलिकता को बनाए रखा है। ये लोग उच्च जनजातियों से अपना संबंध जोड़ते हैं, जैसे भील अपने को प्रशासक वर्ग और क्षेत्रियों में सम्मिलित करते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसी जनजातियां हैं भील और नागा जो कि अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते, कि हम अडॉप्ट बहुत सारा कर लेंगे लेकिन अपनी संस्कृति के टच में ही रहेंगे, अपना गांव नहीं छोड़ेंगे या अपनी जनजाति नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर उनकी ना जो गाय भैंसे रहती हैं, गाय भैंसे भी बहुत बड़े बड़े वो हैं, पर्वत, पर्वतों के अंदर गुफाएं बनाई हुई हैं उन्होंने, जिसका भी देखोगे अगर उनके वहाँ पर चोपे बोलते हैं जानवरों को, तो उनके रहने का स्थान अलग होता है, अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, उनमें गुफाएं बनी हुई हैं कि ये उसकी है, ये उस बंदे की है, ये उस बंदे की है, सबके नाम अलग अलग रखे हुए हैं, छोटी छोटी। और कभी भी वहाँ पे शेर आ जाते हैं, भालू आ जाते हैं, उन्हें उनको भी भगाने की आदत पड़ रखी है, वो उनसे भी नहीं डरते हैं। मजूमदार एवं मदान ने कहा कि एल्विन के वर्गीकरण को वो पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने के कारण जनजातियों को केवल हानि उठानी पड़ी है। फिर यह वर्गीकरण स्थिर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जनजातियां आधुनिक नगरीय उद्योगों से संपर्क में आ जाएंगी, एल्विन का वर्गीकरण कम महत्वपूर्ण होता जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं सही है। अब शरद चंद्र राय और हटन जनजातियों के सरकार ईसाई मिशनरियों एवं हिंदुओं के संपर्क में आने के कारण हुए परिवर्तनों की प्रशंसा करते हैं, कि शरद चंद्र राय बोलते हैं और हट्टन बोलते हैं कि जब आदिवासी लोग हमारे संपर्क में आए या फिर सभ्य लोगों के संपर्क में आए तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें अच्छी सीखने को मिली और उससे वो खुश भी हुए। और बबोलते हैं मजूमदार 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आर्थिक वर्गीकरण, दूसरा 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं,
बोलते हैं वे जनजातियां जो उन्नत समुदायों के संपर्क में नहीं आई और ग्रामीण नगरीय समुदायों की संस्कृति से दूर हैं, एक तरह की तो ऐसी जनजातियां जो सभ्य संपर्क में नहीं आई हैं और वो दूरी रहती हैं और दूरी रहना वो पसंद करते हैं। दूसरा वे जो ग्रामीण नगरीय समुदायों की संस्कृति से प्रभावित हुई और उसके फलस्वरूप जीवन में अनेक कठिनाइयां उनके उत्पन्न हो गई कि नगर में देख देख उनके घर में भी ये होने लगा कि हमें ये वाली चीज़ें भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और वो होड़ के चक्कर में कि ना घर के रहे और ना सभ्य रहे और ना ही हम आदिवासी रहे, तो उससे उन्हें प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट आता है वे जनजातियाँ जो ग्रामीण नगरीय समुदायों की संस्कृति के संपर्क में आने पर भी किसी भी प्रकार की असुविधाएं व कठिनाइयों का सामना नहीं कर रही है कि हम जाते हैं अपनी शॉप्स खोलते हैं उनकी चीज़ें हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। नंबर 5 वर्गीकरण आता है आर्थिक वर्गीकरण। कुछ जनजातियां जो हैं वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने लगी, आर्थिक रूप से मजबूत होने लगी कि वो सामान अपने यहाँ पर बनाते हैं और बाहर सेल करते हैं। जैसे एक आदिवासी समाजों में पता है जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान होता है कि जड़ी बूटियों से उन्होंने तेल भी निकालना शुरू किया, कुछ ऐसी दवाएं बनाई जो बाहर मार्केट में अच्छे दामों में बिकती हैं उनकी और उस वजह से उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ थी पहले नाम देखते हैं। एडम स्मिथ, थर्नवाल्ड, हर्स्कोविट ने ये वर्गीकरण दिया है। शिकार, नंबर 1 शिकार करने वाले संकलनशील अर्थव्यवस्था वाली जनजातियाँ, जो जनजातियाँ शिकार करती हैं वो भालू से शेर से क्यों नहीं डरती, क्योंकि वो शिकार में माहिर हैं। कहीं भी देखेगा तो उनकी इतनी तेज़ी होती है कि जंगली जानवर इतना तेज़ नहीं होगा जितना कि तेज़ वो हो जाते हैं, क्योंकि शुरू से ही वो जंगली जीवन जीते हैं। भारत की अधिकांश जनजातियाँ जंगलों में निवास करती हैं और जिस तरह से भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण और कृषि पर निर्भर है उसी प्रकार से अधिकतर जो जनजातियाँ हैं वो जंगल में ही निवास करती हैं और वे अपना जीवन यापन शिकार और कंदमूल एकत्रित करके ही करते हैं। कोचीन के कादर, ट्रांकोवर के मालापात्रम, मदुरा के पलियान, बेनाड के पनियान आदि लोग इसका उदाहरण है, जो कि जंगलों से फल फूल और शहद एकत्रित करते हैं और शहद भी बाहर शहरों को सप्लाई करते हैं। ये लोग कृषि नहीं करते, बहुत ही कम मात्रा में कोई कोई करते हैं, वह भी स्थानांतरित प्रकार की। सरकार की वन नीति के अंतर्गत इनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। नेक्स्ट है पशुपालक जनजातियाँ। पशुपालक जनजातियों में कई जनजातियाँ पशुपालन करके अपना जीवन यापन करती हैं। इनमें हैं कौन कौन, हिमाचल के गुज्जर तथा नीलगिरी के टोडा इसमें मेन आते हैं, जो कि भैंस पालन करते हैं। इनकी संस्कृति को भैंस संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किन की संस्कृति को जाना जाता है भैंस संस्कृति के नाम से? टोडा। ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी संस्कृति को भैंस संस्कृति के नाम से जाना जाता है, आंसर आ गया टोडा, या फिर टोडा संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो भैंस संस्कृति, क्योंकि ये जनजाति पशुपालन में अधिक संलग्न है। पशुपालक जो जनजातियां हैं उनकी अर्थव्यवस्था किससे बनती है? दूध सेल करने से। नेक्स्ट है कृषि करने वाली जनजातियां। ये जनजातियां कुल्हाड़ी की सहायता से कृषि करती हैं और कुछ स्थानांतरित प्रकार से, जबकि कई जनजातियां आधुनिक कृषि यंत्रों का भी प्रयोग कर रही हैं। इस प्रकार की जनजातियां उत्तरी पूर्वी भारत और मध्य भारत में अधिक हैं। गृह उद्योगों में लगी जनजातियां, कुछ आसपास जो उनके उद्योग खुले होते हैं उनमें भी जनजातियां लग जाती हैं।
तो ये कौन कौन सी है? बंगाल, बिहार, असम की जनजातियाँ चाय बगानों में, खानों व कारखानों में काम करती हैं। उद्योगों में श्रम की मांग अधिक होने के कारण जनजातियों को काम मिल जाते हैं, और नई अर्थव्यवस्था के कारण इन लोगों में पैसा तो अधिक कमाया है किंतु शराब, वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयां भी अपनाई हैं, और ये अनेक बीमारियों से भी ग्रस्त हुए हैं। जो कारखानों के और इन वाले कामों के संपर्क में आएंगे तो ऑब्वियसली वो बीमारी लेकर जाएंगे। जैसे चूड़ी के कारखाने हैं, चूड़ी के कारखाने अंदर ही अंदर दहकती हुई आँच रहती है, जब आग रहती है तो ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है, जब ऑक्सीजन कम मिलेगी और पहाड़ी के अंदर आप काम करोगे तो ऑब्वियसली आपको बीमारियाँ लगेंगी। जैसे अभी डैम गिरा तो कितने लोग अंदर, 150 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर बह गए, तो उन्हें आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, और कुछ तो अंदर खाई में से निकाले गए। नेक्स्ट नंबर है 6, राज्यों में जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण। इसको अपने आप से देख लेना, इसमें चार्ट छोड़े दे रही हूँ, ठीक है। पेज नंबर 42 है, इस पे चार्ट है, इसका जो लिंक है PDF बुक वाला वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अगर तुम्हें पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आती है तो वहाँ से देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डाटा है, इसको जो इम्पोर्टेंट हो वो कर लेना। अब देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो मिजोरम तथा सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, जनजातियों की जनसंख्या कहाँ है? मिजोरम में, और सबसे कम कहाँ है? ठीक है, ये मेन पॉइंट आते हैं इसके। 5 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात 0 है, मतलब बिल्कुल 0 है 5 राज्यों में। भारतीय जनजातियों का हमने भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रजातीय राज्यों के आधार पर वर्गीकरण देखा भी, जिस आधार पर जनजातियों की स्थिति को हमने समझा, ठीक है। और यहाँ पर भारत के जितने भी राज्य हैं, राज्य वाइज कितनी उनकी जनसंख्या है, कितनी अनुसूचित है और कितना प्रतिशत है, ये सारा का सारा चार्ट तुम्हारा टेबल बनी हुई है इसमें, इसको देख लेना। अभी समस्याएं हैं थोड़ी सी और देख लो, इसको ख़त्म करते हैं चैप्टर को। अभी तो 12 मिनट है, चलो ठीक है, तो कल का दिन और लगेगा इसमें फिर, है ना। समस्याओं पे ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, लेकिन कल का दिन तो ले जाएगा तुम्हारा ट्राई। चलो ठीक है, अपने नाम लिखवा दो, मैं रजिस्टर दूसरा ले आई।